गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा चयनित अंडर 14 के खिलाड़ियों के साथ ट्रायल के लिए आए आजमगढ़, सुल्तानपुर, बनारस, इलाहाबाद, बहराइच सहित अन्य जोन के पंजीकृत लगभग 240 के खिलाड़ियों में से शनिवार को 116 बच्चों का ट्रायल संपन्न हुआ। सभी खिलाड़ियों का ट्रायल UPCA के सिलेक्टर मनोज मांकड़ द्वारा लिया गया। उनका सहयोग पूर्व रणजी खिलाड़ी रंजीत यादव ने किया। ट्रायल में चयनित हुए बच्चों का UPCA के माध्यम से कानपुर में ट्रायल होगा। इस अवसर पर GCA के संयुक्त सचिव शफीक अहमद सिद्दीकी मौजूद रहे। GCA के अंतर्गत आने वाले सभी क्रिकेट संस्थाओं के बच्चों का सिलेक्शन किस आधार पर होता है, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि गोरखपुर मंडल में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभा खुल के बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि वे खिलाड़ी जिनकी शरण में प्रशिक्षण ले रहे हैं वही इन होनहार का शोषण कर रहे हैं और उनके पैरों में बेड़ियां बांधकर पड़े हैं, जिससे खिलाड़ियों के टैलेंट हंट करके उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के बजाय GCA टैलेंट हंटर बन गया है। गोरखपुर न्यूज़ बहुत ही जल्द इसका खुलासा करेगा। अंडर 14 ट्रायल के संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए UPCA अंडर 14 के सिलेक्टर मनोज मांकड़ ने कहा, मनोज माकड़ है, मैं जूनियर का सिलेक्टर हूँ। मैं गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। अंडर 14 का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल हो रहे हैं बच्चों के जो UPCA के ट्रायल हैं, तो उसमें जो गोरखपुर मंडल के जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ये ट्रायल, तो वो ट्रायल के लिए आए हैं बच्चों के। करीब 230-240 के करीब आसपास हैं लिस्ट में सारे, जो इसमें आजमगढ़ है, सुल्तानपुर, बनारस, इलाहाबाद जोन है, डिस्ट्रिक्ट में बहराइच, ये सब, हाँ बनारस के बच्चे। उसके बाद UPCA जो हम यहाँ से बच्चे पिक करेंगे वो फिर ट्रायल के लिए कानपुर जाएंगे। तो यहाँ से जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनकी जो जोन के हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्होंने भेजा है, वो सिलेक्ट होके UPCA को भेजा, तो UPCA ये वही बच्चे ट्रायल दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैंडेट कुछ नहीं है, ये मैंडेट थोड़ी है कि इसमें कोई फिक्स थोड़ी है बच्चों का। इस स्टेज पे तो जो बच्चा टैलेंटेड है उसको ये डिस्ट्रिक्ट की लोकल जोन की जिम्मेदारी है कि उसको आगे लेके आए। हमारे पास जो लिस्ट गई है हमारे को उनसे कंसर्न है बस। आज 116 बच्चों का हुआ है, हाँ अभी आधे कल होंगे आधे आज होंगे। 5 जोन है इसमें, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। इसके बाद फिर हम लोग जो बच्चे सब पांचों जगह से सिलेक्ट करके कानपुर आएंगे वो बच्चे, उसके बाद फिर बच्चों का वहाँ ट्रायल होगा। ट्रायल होगा वहाँ, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर उनका मेडिकल होगा, उसके बाद वो जो मेडिकल क्रॉस कर जाएगा वो आगे जाएगा बच्चा, कानपुर बुलाए जाएंगे वो बच्चे। यहाँ से सिलेक्ट होंगे वहाँ ट्रायल मैचेस वगैरह होंगे, जो प्रोसीजर है अभी लास्ट तक, अभी 2-3 स्टेप में है ये। अच्छा है बच्चा, अब आजकल क्रिकेट का टैलेंट हर जगह है, क्रिकेट अब हर जगह होती है,
और सब बच्चे अच्छे हैं, छोटे बच्चे हैं और ये स्टार्टिंग है, बच्चों की बिगनर्स हैं सब, तो यहीं से हम लोग की यही ड्यूटी है कि जो बच्चा थोड़ा बहुत अच्छा एक स्टेप आगे जाए, फिर आगे बच्चे के ऊपर है कि कितना आगे जाता है, वो बच्चे के ऊपर है। ये ऐसी है कि जैसे हमें बच्चे कोई लगते हैं कि ये ओवरेज हैं, वो लेकिन वो हमारी डिस्क्रिप्शन नहीं है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट से है तो हमें उसको अटेंड करना ही करना उस बच्चे को। आगे जो अगर ऐसा कोई बच्चा आगे कैरी फॉरवर्ड होता भी है तो मेडिकल हो गया, तो वो BCCI का मेडिकल होता है, तो उसमें बाहर हो जाता है बच्चा।